ये देखें ये देखें ये सामने रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लाम हुदूद बताता है कि औरत को किस हद में रहना चाहिए और कौन सी हद को क्रॉस नहीं करना चाहिए। इस्लाम तो नरम लहजे में बात करने से औरत को मर्द के साथ मना फरमाता है। इस्लाम तो औरत की हिफाजत के लिए वह अहकाम जारी करता है जो उसकी ज़िंदगी को जन्नत बना सकते हैं, लेकिन अगर ख़ुद अपनी ज़ात को अपनी ज़िंदगी को जहन्नम बनाने के लिए कोई अपना दुश्मन खुद बन जाए तो ऐसे मनासे देखने को मिलते हैं। लाइक कीजिए और वीडियो ज़रा देखिए। ये देखें ये देखें ये सामने रहते हैं, ये दूध दही वाले हैं, ठीक है। इनकी शॉप भी है, ये पानी लेने हैं सुबह सुबह। ये कह रहे मेरा गला सूख है कि इनके सामने दुकान है, ठीक है। कहते एक गिलास पानी दे रहे हमें, और आपको पता है मैं कितनी अच्छी हूँ, ठीक है। मैंने कहा कोई नहीं, आप एक गिलास पानी क्या, आप पूरी टैंकी ले लें, ठीक है। तो दोस्तों हम नहीं कहते कि ये कोई इसका गैर मर्द हो सकता है या कोई भी इसका ताल्लुक ऐसा गलत हो सकता है इस दुकान वाले के साथ या इसका महरम कोई भी हो सकता है। हम इस हवाले से भी कंफर्मेशन नहीं दे रहे, लेकिन एक तालीम दी जा रही है इस सोसाइटी को, आज की नौजवान नस्ल को, कि किसी भी तरह से फ्री होकर किसी के साथ भी ताल्लुक बनाया जा सकता है, चाहे वो दुकान वाला हो, कोई गाड़ी वाला अंकल हो, कोई राह चलता शख्स हो। तो ऐसी ही चीज़ों की वजह से इस सोसाइटी में बुराइयाँ फैल रही हैं और आज छोटी और कम सर्फ उम्र वाली लड़कियाँ गैर मर्दों के साथ नाजायज़ ताल्लुकात तक में गिर जाती हैं और बाद में पछतावे के अलावा कुछ भी बाकी किसी के हाथ में नहीं रहता। अब ये वीडियो रिकॉर्ड करने वाले भी हम नहीं हैं और इसे सोशल मीडिया पे वायरल करने वाले भी हम नहीं हैं, ये खुद ये सब कुछ करने वाले हैं। तो हम जस्ट अगर इस पर बात करके इस माशरे की एजुकेशन की बात करते हैं तो यकीनन कुछ अनासर पर यह ग्रां ज़रूर गुजरता है, लेकिन सोचने का मुकाम है कि हमारे लिए बेहतर क्या है और हमें क्या करना चाहिए। आज की वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस करने और वीडियो के हवाले से राय भी ज़रूर दीजिएगा।